आयुषी सर, ऑनलाइन एग्जाम के लिए सिर्फ बुक में जो एमसीक्यू दिया है वही पढ़ने हैं या उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा? फुल इंफॉर्मेशन। सेकंड, ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर मा पेपर स्टाइल शू हसे? तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में पेपर स्टाइल क्या होगी। तो मैं सबसे पहले ऑनलाइन के बारे में। नमस्कार, ग्रीन स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एग्जाम, बहुत सारी कंफ्यूजन्स और वो कंफ्यूजन्स को लेके स्टूडेंट के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स आज के इस वीडियो में क्यू एंड ए के वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे लास्ट वीडियो में जो स्टूडेंट ने कमेंट की है, स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट्स आई है, वो कमेंट्स को हमने क्यू एंड ए में डाइवर्ट किया है, आपके क्वेश्चन और आंसर हमारे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट है वो शक्ति ने दी है। शक्ति है लक्यूज है। कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन एग्जाम अने जेने ऑनलाइन एग्जाम माटे रजिस्ट्रेशन कर्यू ए लोगों ने बहु क्वेरी छे। सो प्लीज अलग थी वीडियो बनावीने पूरी इन्फॉर्मेशन आपी दो। हूँ फरी थी बधा स्टूडेंट नो आभारी छू के जे अमारा वीडियो रेग्युलर जोवे छे, वीडियो ने पसंद करे छे अने अमना प्रॉब्लम्स अमने कमेंट थी बतावे छे। अमे बने त्यां सुधी तो अमने आंसर आपी दीए छे, जेटला आंसर अमारी जोड़े होय छे आंसर अमे आपी दीए छे। बाकी अमुक आंसर एवा छे जे गुजरात यूनिवर्सिटी पासे जो है ए रिलीज करे त्यांथी आंसर आपे पछी अमे आपी शकीए। सो ए आंसर थोड़ा बाकी रहे छे, बाकीना जेटला आंसर अमारी जोड़े छे अमे आपी दीए छे। शक्ति थैंक यू आ कमेंट करवा बदल, अने आ कमेंट ऊपर थी ज अमे आ वीडियो बनावानो विचार कर्यो छे अने एना पछी ज आ वीडियो बनाव्यो छे। तो शक्ति फरीथी थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट में जईए हवे आपणे। नेक्स्ट कमेंट है मित्तल की। जो कमेंट है वो है मार्क्स केटला छे। अब मैं बता दू आपकी एग्जाम आइधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन हे, बने मार्क्स जे छे तमारा 50 छे। बने टाइमिंग अलग अलग छे। ऑफलाइन एग्जाम जे छे तमारी 2 hours नी छे एंड ऑनलाइन एग्जाम जे छे ए तमारी 1 hours नी हशे। यूनिवर्सिटी की ओर से कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं आया, बट लास्ट जो ऑनलाइन एग्जाम थी वो 1 hours की थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगी 1 hours की और उसके मार्क्स हो गए 50 और ऑफलाइन के भी मार्क्स है 50। नेक्स्ट कमेंट रंजीत ने ये कमेंट दिए, बीएससी सेम 3 की एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं क्या? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है बिकॉज मैं आउट ऑफ गुजरात हूं। तो मैं उन सब से बोलूंगा कि जो आउट ऑफ गुजरात है, आउट ऑफ अहमदाबाद, चलो आउट ऑफ गुजरात की मैं बात करूंगा, जो आउट ऑफ गुजरात है उनको तो डेफिनेटली ऑनलाइन बेस पे ही जाना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब लास्ट डे है, तब वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो रंजीत आपको ऑनलाइन एग्जाम पे ही जाना चाहिए और बाकी जितने भी गुजरात से बाहर है उनको तो ऑनलाइन एग्जाम ही सिलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं हम। प्रजापति भरत, ये एग्जाम टाइम टेबल किस वेबसाइट पे शो होता है या किस सोशल मीडिया पर शो होता है? तो जो एग्जाम का टाइम टेबल होता है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे एग्जामिनेशन शेड्यूल में आपको आपका जो भी सेमेस्टर है, जो भी कोर्सेज है, वो वहां पे क्लिक करना होता है और वहां पे अगर गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जब गुजरात यूनिवर्सिटी अपलोड करती है तो गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे वो आ जाता है। और फिर भी अगर आपको इसके बारे में अपडेट रहना है तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करो और हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक भी मैं रख रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को, वहां पे भी हम अपलोड करते रहते हैं रेगुलर। उसके बाद का क्वेश्चन है देव सोनी, सर आई एम इन अहमदाबाद एंड आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम फ्रॉम अहमदाबाद ओनली, सो आई हैव टू सिलेक्ट सेंटर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। तो जो स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी के और वो अहमदाबाद में है और उनके एग्जाम सेंटर अहमदाबाद में ही चाहिए, उनको ये एग्जाम सेंटर सिलेक्शन नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अहमदाबाद में ही हो और आपको अहमदाबाद में ही एग्जाम देनी है तो आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि मैं बड़ौदा में हूँ, मतलब मेरा होम टाउन बड़ौदा है, मैं अहमदाबाद में आके पढ़ाई कर रहा था बट मैं रह रहा हूँ बड़ौदा में और मुझे अब एग्जाम देने के लिए अहमदाबाद नहीं आना है तो ही एग्जाम सेंटर सिलेक्शन में मुझे बड़ौदा सिलेक्ट करना है।
अदरवाइज जो अमदावाद में है जो अमदावाद में है ये लोग एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली एम सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी आप नेक्स्ट कमेंट पर जी हम अनुष्का हेलो सर बीकॉम सेम थ्री का कुछ फाइनल है कि एग्जाम कब कैसे होगी आई मीन सर ऑफलाइन ऑनलाइन ऑप्शन कब तक मिलेगा तो मैं ये बता दूं कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेमेस्टर थ्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हो सकता है कल करे परसों करे बट आज जब वीडियो बना रहा हूं तब तक गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिक्लेयर नहीं किया ऑफलाइन की डेट डिक्लेयर कर दी है तो सो ऐसा हम सोच सकते हैं कि शायद गुजरात यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर थ्री है उसके लिए बीकॉम सेमेस्टर थ्री है उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्ट ना भी करे तो आपको ऑफलाइन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट रोहन जेने ऑनलाइन एग्जाम माटे रजिस्ट्रेशन कर्यु होय ए लोकोने शू करवानु तो कशु नथी करवानु जेने ऑनलाइन सिलेक्शन करू छे ने हवे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट नथी करवानु आ एग्जाम सेंटर जे सिलेक्ट करवानु छे ए ऑफलाइन एग्जाम ना स्टूडेंट माटे छे ऑनलाइन माटे नथी। नेक्स्ट कमेंट जयश्री सर ऑनलाइन की डेट कब आएगी गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन की डेट डिक्लेयर कर दी है बट ऑनलाइन की डेट डिक्लेयर नहीं की बट अगर पास रिकॉर्ड देखा जाए गुजरात यूनिवर्सिटी का तो गुजरात यूनिवर्सिटी सबसे पहले ऑफलाइन एग्जाम लेती है और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स होती है बट अभी तो ऐसा पास रिकॉर्ड है गुजरात यूनिवर्सिटी का सबसे पहले ऑफलाइन एग्जाम आएगी और उसके बाद ऑनलाइन। नेक्स्ट जानवी बा सर थोड़ू कन्फ्यूजन छे हूँ अमदावाद में कॉलेज करू छू पण धंधुका में रहू छू अने हूँ सेंटर धंधुका पसंद करू छू पण एमां कन्फ्यूजन ए छे के परिपत्र में लख्यू छे के पूरी संख्या होवी जोईए तो पूरी संख्या कोनी हाँ आ सारो क्वेश्चन छे जो तमे धंधुका सिलेक्ट कर्यु छे तमारे जेवा घणा बधा विद्यार्थीओ धंधुका सिलेक्ट कर्यु होय पण एक एग्जाम लेवा माटे गुजरात यूनिवर्सिटी ने मिनिमम जो स्टूडेंट जुए जो धंधुका में समझो कि बे स्टूडेंट थाय परीक्षा अपना गुजरात यूनिवर्सिटी ना तो गुजरात यूनिवर्सिटी त्या एग्जाम ना राखी शके पर धंधुका में गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो एना रिक्वायरमेंट प्रमाण स्टूडेंट मिली सकता हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी त्या सेंटर आपसे फॉर एक्जाम्पल सूरत में संख्या ना थती हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में सेंटर ना आपी सके हवे ए क्राइटेरिया गुजरात यूनिवर्सिटी नक्की करे छे के केटला स्टूडेंट होय त्यारे एग्जाम लेवी बट तमने जे रिसिप्ट आवशे गुजरात यूनिवर्सिटी ने त्यारे तमारो कन्फर्मेशन आई जशे के तमारे क्या एग्जाम आपवा जवानी छे तो आजे जे संख्या हती ए एग्जाम आपना विद्यार्थीओनी संख्या हती तमे जेम सिलेक्ट कर्यु एम केटला विद्यार्थी सिलेक्ट करे छे एनी हती। सो मैं इने बता दू कि अगर आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया है वो सेंटर में अगर गुजरात यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से मिनिमम स्टूडेंट नहीं हो गए तो गुजरात यूनिवर्सिटी वो सेंटर पे एग्जाम नहीं लेगी तब आपको उसके नियरेस्ट या गुजरात यूनिवर्सिटी जो सेंटर देगी वहां पे जाना पड़ेगा और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के पास है इसके बारे में हम नहीं जान सकते बट गुजरात यूनिवर्सिटी आपको रिसिप्ट में वो सेंटर बता देगी कि आपको कौन से सेंटर में एग्जाम देनी है। सो अब नेक्स्ट कमेंट पे जाए फाइटिंग सर एक कन्फ्यूजन छे के जो ऑनलाइन एग्जाम वक्त यूनिवर्सिटी नो सर्वर डाउन थाय तो शू करूं बिकॉज सेम सिक्स मां थयुं हतुं तो हूँ बीकॉम सेम फाइव मां छूं प्लीज गिव आंसर। आ एक प्रॉब्लम रही सके छे गुजरात यूनिवर्सिटी नो सर्वर डाउन कारण के ऑनलाइन फॉर्म सिलेक्शन मां भी लगभग वन एंड हाफ डे एक अर्धो दोढ़ दिवस वन एंड हाफ डे तक उनका सर्वर डाउन था बट इसके बारे में तो मैं आपको खाली सजेशन दे सकता हूँ और होप दे सकता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और आई होप ऐसा ना भी हो और एग्जाम के ड्यूरेशन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है प्रॉब्लम तो गुजरात यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ और सेटलमेंट करेगी ऐसे कुछ जिसका सर्वर और ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा उसको एक और चांस देगी। सो आई होप उसमें ऐसा नहीं होगा गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कि सर्वर डाउन नहीं होगा बट अगर होगा तो गुजरात यूनिवर्सिटी आपको एक चांस देगी। नेक्स्ट कमेंट रोहित बीएससी सेम थ्री की ऑनलाइन एग्जाम होगी
एंड ललित ने भी वही सेम कमेंट किया कि बीएसएम 3 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, गुजरात यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सिलेक्शन में जिसका ऑप्शन आपको मिलेगा, जो ऑप्शन अवेलेबल है, वही स्टूडेंट मतलब वही कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एग्जाम अवेलेबल है। तो आप वहां पे ऑनलाइन सिलेक्शन में जाके ऑप्शन देख लो, अगर आपका ऑप्शन है तो आप एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज वो कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एग्जाम अवेलेबल नहीं है, अगर वहां पे लिस्ट में नाम नहीं है कोर्स का। तो नेक्स्ट कमेंट पे हम जाए। अंकुश, फर्स्ट थैंक्स फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन, सेकेंड ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर मा पेपर स्टाइल शू हसे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में पेपर स्टाइल क्या होगी। तो मैं सबसे पहले ऑनलाइन के बारे में बता दूं, तो ऑनलाइन की जो पेपर स्टाइल आपकी होने वाली है वह पूरी एमसीक्यू बेस्ड होगी, 15 मार्क्स 50 मार्क्स टू पेपर्स, और उसमें अप्रोक्स 25 आपको अटेंड करने होंगे एमसीक्यू, और ईच एमसीक्यू एक एमसीक्यू 2 मार्क्स, सो आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे, और उसका टाइमिंग होगा 1 आवर्स। ये मैं पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बता सकता हूँ, अगर गुजरात यूनिवर्सिटी कोई चेंज करे तो चेंज हो सकता है, तब भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये चेंज हुआ है। बट अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो आपको अप्रोक्स 35 एमसीक्यू देते हैं, आपके 4 यूनिट है, 4 यूनिट से मिला के 9-10 होके आपको टोटल 35 एमसीक्यू दिए जाएंगे, और उसमें से आपको 25 एमसीक्यू सिलेक्ट करने हैं, और उसके एक एमसीक्यू के 2 मार्क्स, सो आपके टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। ये बात है ऑनलाइन की, और प्रैक्टिकल हो या थियोरिकल दोनों में आपको एमसीक्यू अटेंड करने हैं। अब बात आई ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन की जो एग्जाम है आपकी वो 2 आवर्स की है, और उसके पेपर के पैटर्न जो है, अभी तक गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं कि जनरल ऑप्शन लेंगे या रेगुलर पैटर्न। जनरल ऑप्शन और इंटरनल ऑप्शन में फर्क होता है। जनरल ऑप्शन में क्या होता है कि आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे 1, 2, 3, 4, और उसमें से कोई भी आपको 2 सिलेक्ट करने होंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, मतलब आपके 4 यूनिट है और 1 यूनिट में से 1 क्वेश्चन, तो ऐसे आपको कोई भी 4 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे, 2 क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हो, और उसके बाद जो सेक्शन बी होगा उसमें एमसीक्यू होंगे, और 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे, और 40-40 जो मार्क्स है आपके वो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 उसमें से कोई भी 2, एटले ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, ये जनरल ऑप्शन में। उसके बाद आया इंटरनल ऑप्शन, जैसे आपके एग्जाम पहले देते क्वेश्चन 1 A B और में ए बी, या क्वेश्चन 1 उसका जो सम होता है बड़ा सम या बड़ा क्वेश्चन उसके और में 2 छोटे क्वेश्चन, वो रेगुलर आपकी पैटर्न थी। बट गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर नहीं किया कि जनरल ऑप्शन लेंगे या रेगुलर पैटर्न, बट ऐसा लग रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम में जनरल ऑप्शन वाली पैटर्न ही सिलेक्ट करेगी। उसके बाद का क्वेश्चन आयुषी, सर ऑनलाइन एग्जाम के लिए सिर्फ बुक में जो एमसीक्यू की दिया है वही पढ़ने हैं या उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा? हाँ, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं स्टेटिस्टिक की बात करूँ, तो स्टेटिस्टिक में क्या है कि आपकी बुक्स में तो शायद ही आपको एमसीक्यू दिए होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, ट्रू और फॉल्स देते हैं, खरा खोटा के बची खाली चीजें, तो आपको क्या करना है, थियरी पढ़नी है, और वो थियरी पर से आपको कुछ एमसीक्यू अपने हिसाब से बनाना है। सेकंड, अगर आप चाहो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के पास्ट एग्जाम के पेपर ले लो, और वहां पे भी आपको एमसीक्यू अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि तो पास्ट जो पैटर्न थी गुजरात यूनिवर्सिटी उसमें जो क्वेश्चन 5 था वो एमसीक्यू का था, तो उसमें से भी आपको लास्ट 5-6 साल के पेपर ले लो, उसमें जो भी सिलेबस में आपका जो भी चैप्टर है वो रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू वहां से मिल जाएगा। तो एक तो आप अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ सब्जेक्ट में आपको गुजरात यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे, और आई थिंक उसमें से आने के पूरे चांस है पेपर में, और आपके बुक्स में भी आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू दिए होते वो भी आपको रेडी करने। तो ये था आपका आंसर, तो ये थे सारे आपके क्वेश्चंस एंड हमारे आंसर्स, और मैं फिर से एक बार सबको थैंक यू बोलता हूँ कि आप हमारे वीडियो को इतना पसंद करते हो और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताते हो, और हम जहाँ तक हो सकता है आपको आंसर देते हैं। हमारी एक टेलीग्राम चैनल भी, इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने ग्रुप में भी शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। Thank you for watching.